बीपीएससी प्रधान शिक्षक और प्रधान अध्यापक परीक्षा के पाठ्यक्रम आधारित प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ कंप्लीट पीडीएफ प्रिंटेड नोट्स के लिए कॉल व्हाट्सएप करें 7631314948 पर और पाएं सिलेबस बेस्ड कंप्लीट नोट्स के साथ साथ सफिशियंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कलेक्शन। साथ में आपको मिलेगा लाइव क्लासेज और प्रैक्टिस सेट। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए अभी संपर्क करें और अपनी सफलता सुनिश्चित करें। आइए अब शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। दोस्तों, आज हम गणित के एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं, वो है साझेदारी। साझेदारी को आप आम बोलचाल की भाषा में बंटवारा भी कह सकते हैं। चाहे वो रुपये पैसे का बंटवारा हो, चाहे जमीन जायदाद का या कोई भी बंटवारा हो, गणित की भाषा में उस प्रश्नों को आसानी से हल किया जा सकता है। आइए हम साझेदारी से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को देखते हैं ताकि हमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं। पहला प्रश्न हम देख रहे हैं, ए तथा बी ने क्रमशः 3000 तथा 4000 के निवेश से साझेदारी में व्यापार आरंभ किया। ए और बी दो व्यक्ति हैं, इन्होंने एक व्यापार आरंभ किया है पार्टनरशिप में। ए ने 3000 लगाया, बी ने 4000 लगाया। एक साल के बाद 3500 रुपया लाभ होता है तो बी का भाग कितना होगा? प्रश्न ये कह रहा है, एक साल के व्यापार में जो 3500 लाभ हुआ है उसमें बी का कितना हिस्सा है। जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है, ए और बी का हिस्सा 3000 और 4000 था, यानी ए ने 3 रुपया लगाया तो बी ने 4 रुपया लगाया। 3:4 के रेशियो में दोनों का निवेश था तो 3:4 के रेशियो में दोनों का लाभ भी होगा। जिसने ज्यादा पैसा लगाया है उसे लाभ ज्यादा मिलेगा, जिसने कम पैसा लगाया है उसे कम लाभ मिलेगा। हमें बी का भाग निकालना है तो बी का भाग निकालने के लिए हम 4 बटा 3 प्लस 4 3 प्लस 4 गुने 3500 लिखेंगे। फिर से समझे, बी का भाग हमें निकालना है तो बी का भाग निकालने के लिए बी का जो रेशियो है 4, उसको हम भाग देंगे ए और बी दोनों के रेशियो को जोड़कर, उससे गुना करेंगे कुल लाभ को, उसको गुना करेंगे कुल लाभ से 3500 से। जब आप 4 बटा 7 गुने 3500 को सॉल्व करेंगे तो 7 × 5 = 35 और 5 × 4 = 20, 2000 रुपया ये बी का लाभ प्राप्त होता है। यानी 3500 लाभ में बी का हिस्सा 2000 होता है, आपका उत्तर हो जाएगा 2000। एक और प्रश्न को सॉल्व करते हैं जो ठीक ऐसा ही है। ए ने 2000 रुपए में व्यापार प्रारंभ किया, 7 माह बाद 5000 की पूंजी लगाकर बी भी इस व्यापार में साझेदार हो गया। वर्ष के अंत में 9800 का लाभ होता है तो बी को कितना धन मिलेगा? आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ए ने जो निवेश किया था 2000 रुपया 12 महीना के लिए किया था, वही बी ने जो निवेश किया था वो 7 माह बाद किया था, यानी इसका निवेश केवल और केवल 5 महीने के लिए था। अगर हम दोनों के रेशियो को कैलकुलेट करें तो यहाँ पर 3 जीरो 3 जीरो को काट देता है, 12 × 24 = 5×5=25, 24:25 के रेशियो में ए और बी का निवेश है। वर्ष के अंत में कुल लाभ 9800 रुपया होता है, ये 9800 24 और 25 49 ए के बराबर है, यानी ए का वैल्यू यहाँ पर 200 प्राप्त होता है। हमें पूछा जा रहा है बी को कितना धन मिलेगा। ए का वैल्यू 200 है तो हम बी का धन निकालने के लिए 25 को 200 से गुना करेंगे, 25 × 50 होता है 5000 रुपया बी को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन मित्र हैं पी क्यू आर, इन तीनों ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया है जिसमें इनका निवेश क्रमशः 2000, 4000 और 7000 है। 2 वर्ष के अंत में जब हिसाब होता है तो 7800 रुपया का लाभ होता है, इसमें क्यू का भाग कितना है? प्रश्न सेम है, यहाँ 2 के अधिक 3 व्यक्ति हैं। पी क्यू आर तीनों मित्र का जो निवेश है 2000, 4000, 7000 है, यानी इसके निवेश का जो रेशियो है 2:4:7 है। 4 × 2 = 6, 7 = 13, ए का वैल्यू जो है 7800 है तो ए का वैल्यू हो जाएगा 13 × 6 = 78, 600 रुपया प्राप्त होता है। यहाँ पर हमें क्यू का निवेश प्राप्त करना है, इसे आप 4 से गुना करके प्राप्त कर सकते हैं, 4×6 = 2400 रुपया
क्यू का लाभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी तथा सी एक व्यापार में क्रमशः 2400, 3600 तथा 7200 का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में कुल लाभ को उनके निवेश के अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि इस लाभ में सी का भाग 4800 है तो कुल अर्जित लाभ क्या है। हम प्रश्न के पहले स्टेप को पहले देखते हैं। ए बी सी जो निवेश करते हैं 2400, 3600 और 7200 रुपया करते हैं। इसकी जो निवेश का अनुपात है 2:3:6 है। प्रश्न कह रहा है कि लाभ जो होता है उसमें सी का भाग 4800 आता है, यानी 6 ए का वैल्यू 4800 है, सी का जो रेशियो है वो 6 है, तो 6 ए का वैल्यू 4800 है, तो ए का वैल्यू हो जाएगा 4800/6, 800। तो कुल अर्जित लाभ कितना होता है। कुल अर्जित लाभ का मतलब है 3, 2, 5, 6, 11। इसको 11 से आप गुना करेंगे, 11, 8, 88, 8,800 रुपया। सही उत्तर है 8,800। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ने 4,000 लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 6 माह के बाद बी 6,000 लगाकर तथा उसके 3 माह के बाद सी 8,000 लगाकर साझेदार हो गया। 2 वर्ष के बाद इसके लाभ का अनुपात क्या होगा। प्रश्न कहता है कि ए ने 4,000 लगाया, बी ने 6,000 लगाया, सी ने 8,000 लगाया, लेकिन सभी की समय अवधि एक समान नहीं है। ए ने लगाया 2 वर्ष के लिए यानी 24 माह के लिए, बी ने लगाया 6 माह के बाद यानी 18 माह के लिए, सी ने जो लगाया उसके 3 माह के बाद यानी 15 माह के लिए। यहाँ पर हम सभी को सॉल्व करके अनुपात निकालेंगे। 3 जीरो सम में है, हम 3 जीरो को काट देते हैं। यहाँ पर 4×24 बचता है, यहाँ पर 6×18 बचता है, यहाँ पे 8×15 बचता है। जब आप 24 को 4 से गुना करेंगे तो 96 आता है। जब हम 18 को 6 से गुना करेंगे तो 108 आता है। जब हम 15 को 8 से गुना करेंगे तो 120 आता है। हम तीनों संख्याओं को 12 से भाग देंगे तो 12×8=96, 12×9=108, 12×2=120, 8:9:10 के अनुपात में तीनों का लाभ आता है, जो सही उत्तर है 8:9:10। अगला प्रश्न है, ए ने 40,000 की पूंजी लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। कुछ समय के बाद बी 50,000 लगाकर इस व्यापार में साझेदार हो गया। वर्ष के अंत में उनका लाभ 6:5 के अनुपात में बांटा गया। तो व्यापार आरंभ होने के कितने महीने के बाद बी साझेदार बना। यहाँ पर ए और बी का जो है निवेश पूंजी दिया हुआ है और लाभ का अनुपात भी दिया हुआ है, लेकिन ए ने 1 वर्ष के लिए पूंजी लगाया और बी ने कितने वर्ष के लिए लगाया, यही आपको पता करना है। जो साझेदारी का सूत्र होता है उसमें निवेश पूंजी को हम वर्ष से गुना करते हैं। यहाँ पर 1 वर्ष 12 माह के बराबर है, 40,000 को 12 से गुना किया, वही बी का जो 50,000 है उसको हम टी से गुना करते हैं। ये टी हमें प्राप्त करना है, यानी बी ने कितने माह तक निवेश किया। प्रश्न के अनुसार दोनों के लाभ का अनुपात 6:5 है, तो हम इसे लिख सकते हैं 40,000×12/50,000×t=6/5। ए बट्टा बी के रूप में हमने LHS और RHS को लिख दिया है। यहाँ पर 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 6×12 हो जाएगा, टी का वैल्यू 4×8 आता है, यानी बी ने जो निवेश किया है 8 माह के लिए किया है। दोस्तों ये थे साझेदारी के कुछ प्रश्न। हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रश्नों को देखेंगे और चुटकियों में सॉल्व करेंगे साझेदारी के प्रश्नों को। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसी तरह के दूसरे वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ टेट सीटेट और दूसरे सभी टीचिंग एग्जाम्स के PDF प्रिंटेड कंप्लीट नोट्स के लिए कॉल व्हाट्सएप करें 7631314948 पर। ध्यान रहे, हमारा नोट्स आपकी परीक्षा की संपूर्ण तैयारी के लिए सफिशियंट है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स अगेन।